नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सतरंजीपुरा के लोगों को क्वारंटाइन किए जाने की कार्रवाई को चुनौती। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके सतरंजीपुरा के 1408 नागरिकों को क्वारंटाइन करने की कार्रवाई को बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन का उल्लंघन कर यह कार्रवाई की गई। छावनी के मोहम्मद निशत मोहम्मद सलीम ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नियमानुसार कोरोना वायरस से संक्रमित रोगी के संपर्क में आए नागरिकों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, लेकिन प्रशासन ने सतरंजीपुरा में इस नियम का उल्लंघन किया और सीधे 1408 लोगों को क्वारंटाइन किया है। इस कार्रवाई से पहले नागरिकों को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं की गई, जिससे नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस याचिका पर मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल किलोरे ने न्यायमूर्ति अनिल किलोर के समक्ष हुई। इसके बाद न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जिलाधिकारी व मनपा आयुक्त को नोटिस जारी किया। इसका जवाब 5 मई तक दायर करने का आदेश दिया है। रियायत नहीं, बंद रहेंगे ऑफिस दुकानें। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने लॉकडाउन 3 की घोषणा की है। 17 मई तक लागू रहने वाले इस लॉकडाउन के दौरान नागपुर में जीवन आवश्यक वस्तुएं जैसे किराना, फल, सब्जी, मेडिकल स्टोर्स आदि को छोड़ अन्य किसी भी प्रकार की दुकान, कार्यालय को शहर में खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वाइन शॉप, पान दुकानें भी नहीं खुलेगी। नागपुर के रेड जोन में होने की वजह से मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने सख्त कदम उठाते हुए केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से दी गई कुछ सहूलियतों को भी कम किया है। इस संदर्भ में रविवार को आयुक्त ने आदेश जारी भी किया था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।